सब्सक्राइब करें माई आर्ट चैनल को और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हर नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ और इस डिज़ाइन को आप अपने ब्लाउज में, अपने सूट में, किसी पर भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन मैं बोट नेक पर बना रही हूँ, तो मैंने ये बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई 6.5 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो बोट नेक में हम गले की चौड़ाई 4.5 इंच रखते हैं, तो ये निशान मैं 4.5 इंच पर लगा रही हूँ। और इसके बाद हम इसकी गहराई के लिए निशान लगाएंगे, तो आप इस गले को आगे भी बना सकते हैं और पीछे भी बना सकते हैं। मैं आपको पीछे की साइड के हिसाब से लंबाई लेकर दिखा रही हूँ, तो मैं ये लंबाई 9.5 इंच रख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मेरे कई सब्सक्राइबर ये पूछते हैं कि इस नेक की जो लंबाई है वो थोड़ी ज़्यादा तो नहीं हो गई है, या इस नेक की जो लंबाई है वो थोड़ी कम तो नहीं हो गई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी भी नेक डिज़ाइन में आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग उसकी लंबाई रख सकते हैं। जितने भी आप गले पहनते हैं उतनी आप लंबाई रख सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर भी 4.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। और अगर ये नेक डिज़ाइन आप आगे की तरफ बनाना चाहते हैं तो इसकी लेंथ उतनी रखें जितनी आप अपने आगे के गले की लेंथ रखते हैं, और पीछे के गले की लेंथ आप जितनी आप पीछे के गले की लेंथ रखते हैं। केवल यही अंतर है आगे के और पीछे के गले में, बाकी सेम तरीके से बनाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर 3.5 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको इस तरह से गोलाई देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये डिज़ाइन आप आगे या पीछे कहीं पर भी बना सकते हैं, लेकिन एक साइड से आपको सिंपल रखना है, यानी केवल इतना रखना है। इसके बाद हम इस तरह से बुकरम को फोल्ड करते हैं, यानी हमारा ये जो निशान है और ये निशान, इनको हम इस तरह से आमने सामने मिलाएंगे और इसके बीच में एक निशान लगा देंगे। और ये निशान आप इंच टेप से नाप कर भी लगा सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर 1/2 या 1/4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर इस जगह, यहाँ हम थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे जिससे हमें सिलाई के लिए जगह मिल जाए। और इसके बाद हम इसको इस तरह से नीचे मिला देंगे। इसके बाद करीब 1.5 इंच पर हम पूरे गले के ऊपर इस तरह से निशान लगाएंगे। जब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे तो देखिए ये हमारा 1.5 इंच है, और यहाँ से भी हम देख लेंगे, यहाँ से हमारा 1.5 इंच है, तो इस तरह से निशान लगाएंगे। ये जो हमारा नीचे का हिस्सा है यहाँ से हमारा थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, यानी करीब 1.5 इंच के आसपास यहाँ से हमारी ये लंबाई हो जाएगी। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इन्हीं निशानों के ऊपर से दोनों साइड से। इसके बाद हम अपना कपड़ा लेते हैं, और अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाली है तो आप इस तरह से रखिए और प्रेस से उसको चिपका लीजिए। लेकिन अगर आपके बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप ऐसे रखिए और इसके ऊपर इस तरह से एक सिलाई लगा दीजिए,
और जब भी आप इसको प्रेस से चिपकाएं या सिलाई लगाएं तो आप ये बीच की दूरी नाप लें, ये 9 इंच होनी चाहिए, क्योंकि डबल करके हमारे गले की चौड़ाई 4.5 इंच है, तो खोलने के बाद ये 9 इंच होनी चाहिए। कई बार ये जब हम रखते हैं तो छोटी या बड़ी हो जाती है, तो इससे गले की सेटिंग बिल्कुल सही से नहीं हो पाती, तो आप इसको ज़रूर नाप लें। इसके बाद थोड़ा बाहर बाहर से चारों तरफ से इसी शेप में हम इसकी कटिंग कर देते हैं। इसके बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे। ये कट लगाने के बाद हम इसको अंदर की साइड इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारी से थोड़ा सा हट के पूरे गले के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से ऐसे फोल्ड करते हैं। और इसके बीच में एक निशान लगाते हैं और यहाँ पर एक कट लगाते हैं। इसके बाद हम अपना ब्लाउज या सूट जिसके ऊपर भी हमें गला बनाना है उसको लेते हैं और उसे हम सीधी साइड से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और उसमें भी बीच में इस तरह से एक निशान लगाते हैं और इसके ऊपर इस तरह से एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर भी एक कट लगाएंगे। देखिए, एक बात मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहती हूँ, मेरे सब्सक्राइबर अधिकतर ये कमेंट करते हैं कि बोट नेक में हमें तीरा कितना रखना है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बोट नेक में तीरा हमें इतना रखना होता है। देखिए, यहाँ पर कम से कम 2 इंच बच जाना चाहिए, यानी इधर से सिलाई करने के बाद और इधर से सिलाई करने के बाद ये जो हमारी बीच की दूरी है कम से कम 1 इंच होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो कम इस हिसाब से कम 6.5 इंच हमारा तीरा बैठता है, तो 6.5 इंच से कम हमें तीरा नहीं रखना है। इसमें ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन 6.5 इंच से कम नहीं रखना है। इसके बाद हम ये दोनों कट मिलाएंगे और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में इस सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाते चले जाएंगे और हमें अपना गला इस तरह से बीच बीच में सीधा करते रहना है। ये सिलाई लगाने के बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से पूरे गले की कटिंग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक कट लगाएंगे और फिर अंदर से इसकी भी हम कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद हम पूरे गले के ऊपर छोटे छोटे कट लगाएंगे। हमें ये ध्यान रखना है, हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, हमें एक कट यहाँ पर ज़रूर लगाना है। इसके बाद हम अपने गले को पलटते हैं। पहले हम अपने कॉर्नर निकाल लेंगे किसी भी चीज़ से, दोनों साइड से हमें इसी तरह से कॉर्नर निकालने हैं। पलटकर सीधा करने के बाद मैंने इसके ऊपर प्रेस कर ली है, क्योंकि प्रेस करने से हमारे गले में काफ़ी सफाई आती है
और यहाँ पर कट लगाना इसलिए ज़रूरी होता है, अगर हम यहाँ पर कट नहीं लगाएंगे तो सीधा करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा झोल सा आ जाता है। इसके बाद हम गले के किनारे किनारे पर एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम उल्टी तरफ इसके ऊपर तुलपाई करेंगे। देखिए, आप इसको बिल्कुल सिंपल भी रख सकते हैं, इसके ऊपर पाइपिंग भी लगा सकते हैं और इसके ऊपर कोई लेस भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको बिल्कुल नई तरीके से एक चीज़ लगाना इसके ऊपर बताऊंगी। देखिए, ये मेरे पास नेट का एक टुकड़ा है और इसमें आप देख रहे हैं ये इस तरह की हमारी पत्तियाँ सी बनी हुई हैं और इनकी किनारे के ऊपर देखिए इस तरह से किनारी बनी हुई है कि अगर हम इसकी कटिंग करेंगे तो इनके धागे नहीं निकलेंगे। वैसे भी बहुत कम नेट ऐसी होती हैं जिनके धागे निकलते हैं, नेट के धागे नहीं निकलते, तो इन पत्तियों की हम इस तरह से कटिंग करेंगे, डबल डबल हम इनको काट लेंगे। और अगर आप इसी तरीके से ये तरीका यूज करना चाहते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, जैसे उसमें कोई भी पत्तियां हैं या फ्लावर हैं तो उनमें इस तरह से किनारी ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो आप कुछ और चीज़ भी उसमें यूज कर सकते हैं। पहले हम तीरे की सिलाई के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ देंगे और इस तरह से हमें ये पत्तियाँ रखनी है जो हमने कटिंग की हुई है। आप इनको या तो निशान लगाकर लगा लें या फिर आइडिए से लगा लें। इनको आप हाथ से भी लगा सकते हैं, यानी सुई से भी लगा सकते हैं और इनके ऊपर आप सिलाई भी लगा सकते हैं। एक पत्ती मैंने लगा दी है और इस तरह से हमें ये पत्तियाँ लगानी हैं। थोड़ा आराम आराम से आपको ये पत्तियाँ लगानी हैं ताकि इनमें सफाई आए। फिर हमें मशीन हटा देनी है और अगली पत्ती लगानी है और इसी तरह से हमें पूरे गले के ऊपर ये पत्तियाँ लगानी है। ये पत्तियाँ हमें इस तरीके से लगानी है और आपको मैं ये पत्तियाँ लगाने का एक दूसरा तरीका भी बता रही हूँ। ये फैब्रिक ग्लू है, आप इससे ये पत्तियाँ इससे भी चिपका सकते हैं और अगर आपको लगता है कि वॉश करने के बाद हमारी ये पत्तियाँ शायद छूट जाएंगी तो पहले आप इससे इनको बिल्कुल इक्वल करके चिपका लीजिए, उसके बाद आप इसके ऊपर सिलाई लगाते चले जाएं तो हमारी नेक पर ज़्यादा सफाई आएगी। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने एक सिंगल पत्ती लगाई हुई है और आप ये तरीका यूज कर सकते हैं और आपको ये देखने में एकदम रेडीमेड लग रहा होगा, लेकिन ये आप देख रहे हैं ये हैंडमेड है। इतना गला बनाने के बाद आपके पास कई ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इधर से इसमें दो तीन टाके लगा दीजिए सुई से, सिंपल तरीके से, बिल्कुल जैसे देखिए इस तरह से इनको आपस में दो तीन बार पक्का करके आप इसमें टाके लगा दें, तो एक तरीका तो ये हुआ। तो ये यहाँ से आपस में इस तरह से जुड़ जाएगा और बाकी सारा इसी तरह से रहेगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें यहाँ पर जब दो तीन टाके लगाएं तो हल्का सा आप नीचे तक इसको जैसे देखिए इस तरीके से यहाँ पर और थोड़ा सा हल्का सा नीचे तक इसमें टाके लगा दें और इसके ऊपर आप मैचिंग का कोई भी बटन या फैंसी बटन भी यहाँ पर लगा सकते हैं। और इसके अलावा
एक ऑप्शन ये भी है कि देखिए मार्केट से आपको आसानी से मिल जाएगी, डोरी है, आप इसमें डोरी भी लगा सकते हैं, मार्केट से लाके भी लगा सकते हैं और आप हाथ से बनाकर भी लगा सकते हैं। और अगर आप इसको और थोड़ा सा हैवी लुक देना चाहते हैं तो आप इनके ऊपर गोल्डन कलर के मोती भी लगा सकते हैं। इस तरह से ये हमारा गला तैयार हो गया है और यहाँ पर देखिए ये मैंने इस तरीके से मोती लगाए हैं और ये बटन मैंने इसी कपड़े से बनाकर लगाया है। किनारे में थोड़ा सा कपड़ा था तो उससे मैंने ये बटन बनाया है। और अगर आपको ये बटन बनाने और लगाने नहीं आते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं आपको एक सजेशन और देना चाहती हूँ कि अगर आप इसको सूट के साथ बना रहे हैं इस गले को, तो आप इसको बाजू के साथ अपने दामन में यानी चाक पर भी इसको लगा सकते हैं इस डिज़ाइन को। और अगर आप इसको ब्लाउज़ में बना रहे हैं तो बाजू के साथ साथ आप पीछे ब्लाउज़ के बॉर्डर में भी ये डिज़ाइन लगा सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप एक इससे साड़ी भी तैयार कर सकते हैं, यानी एक आप प्लेन पीस लीजिए और साड़ी के नीचे बॉर्डर पे और पल्लू पे ये डिज़ाइन लगाइए, तो इससे आप आपकी एक बहुत यूनिक सी और स्टाइलिश ड्रेस तैयार हो जाएगी। और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।